ओके जी, तो इस सेशन के अंदर आज हम कवर करेंगे कि हमारे पास कोई भी प्रोटोकॉल जो आप यूज़ करते हैं या आप देख रहे होते हैं, वो प्रोटोकॉल होता क्या है, उसके बाद उनके कितने टाइप हैं प्रोटोकॉल्स के, और उसके बाद आपके पास जो मेजॉरिटी आपने देखा होगा वो होता है HTTP प्रोटोकॉल, और उसके बाद हमारे पास HTTP और HTTPS, इनके बीच में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास प्रोटोकॉल क्या है, जैसे आपने हर जगह देखा होगा कि इसके अंदर या इसकी जो डेफिनेशन आपको बताई जाती है कि सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, लेकिन ये सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन किसके होते हैं? रूल्स एंड रेगुलेशन टू सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन, टू सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन। कौन सा क्लियर हो गया? यानी जब भी आपको किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन भेजनी होती है या रिसीव करनी होती है, तो वो आप चाहते हैं कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ वो डेटा जाए, और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ वो डेटा आपके पास वापस एज अ रिसीव हो रहा। कौन सा क्लियर हो गया बेटा? अब ये तो था हमारे पास प्रोटोकॉल के हम इसको यूज करते हैं, किसी भी तरह के प्रोटोकॉल को हम यूज करते हैं टू सेंड और रिसीव एनी स्पेसिफिक डेटा, ठीक है जी। अब वो आपका डेटा जाहिर है जब एक जगह से दूसरी जगह पे या एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे जब जा रहा होता है, तो उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन आपको डिफाइन करने पड़ते हैं, या आपको डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं, देयर इज इनबिल्ट प्रोटोकॉल्स जिनका यही काम है। कौन सा क्लियर हो गया बेटा? ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास इनके टाइप्स कौन कौन से हैं, तो वैसे तो बहुत सारे हैं, मैं आपको कुछ इनलिस्ट कर देता हूँ जिनसे आपका आइडिया क्लियर हो जाएगा। तो आप लोगों ने मेजॉरिटी देखा होगा आईपी प्रोटोकॉल, सुना होगा इंटरनेट प्रोटोकॉल, है ना, ये भी एक प्रोटोकॉल की टाइप होती है जो हम यूज करते हैं। एक होता है टीसीपी कंट्रोल सॉरी प्रोटोकॉल, जिसका काम क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, जिसको हम जो है यूज कर रहे होते हैं फॉर द पर्पज ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन। इसी तरह से आपके पास यूडीपी होता है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। इसी तरह से एक होता है एफटीपी, जिसको फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कह रहे होते हैं। इसी तरह से आपके पास होता है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उसके बाद हमारे पास होता है HTTP, जो आपने मेजॉरिटी देखा होगा, ऐसा ही है। अब ये प्रोटोकॉल कौन सा है जी? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब इस प्रोटोकॉल का काम क्या है? इसका भी वही काम है कि ये जो भी इंफॉर्मेशन आपकी जा रही होती है, आ रही होती है, उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को जो है वो सेट करना। लेकिन देखें, हर प्रोटोकॉल का अलग अलग जगह पे अलग अलग काम है। जैसे कि अगर आप बात करते हो FTP की, तो जब भी फाइल ट्रांसफर होता है तो ये वाला प्रोटोकॉल यूज होता है, ठीक है जी। या जब भी मेल सेंड होती है तो SMTP यूज कर रहे होते हैं हम। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? इसी तरह से बाकी जितने भी आपके क्या है प्रोटोकॉल है, उनका अलग अलग से कोई स्पेसिफिक पर्पस है जिसकी वजह से हम उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब बात आती है HTTP की, तो बेटा आपके पास जितनी भी नंबर ऑफ वेबसाइट्स हैं, उनके ऊपर जब भी आप किसी भी तरह की रिक्वेस्ट भेज रहे होते हैं किसी भी वेब पेज के समले मांगने के लिए, तो आपको क्या करना पड़ता है, HTTP या HTTPS की हेल्प लेनी पड़ती है। कौन सा क्लियर है? यानी किसी भी सर्वर से या वेब सर्वर से जो भी आपका डेटा आ रहा होता है या वहां पे जो डेटा जा रहा होता है, वो किसके थ्रू आ रहा होता है, जा रहा होता है, HTTP या HTTPS। कौन सा क्लियर हो गया? यानी दीज प्रोटोकॉल्स आर लाइक अ कोरियर सर्विस के जो हमारे कोरियर वाले होते हैं, जिनका काम क्या होता है, डेटा लेके जाना, डेटा लेके आना, सही है। और इंटरनेट हमारे पास एक क्या होता है, एज अ नेटवर्क होता है, जैसे एज अ रास्ता होता है। कौन सा क्लियर है? और इंटरनेट को हम नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स कहते हैं, नेटवर्क्स का भी एक नेटवर्क है। कौन सा क्लियर है? सारे जितने भी नेटवर्क है इंटरनेट से चलते हैं ना, ठीक है जी। तो ये नेटवर्क्स का भी नेटवर्क है इंटरनेट। और नेटवर्क क्या है? नेटवर्क हमारे पास उस तरह की डिवाइसेस जो आपस में कम्युनिकेट करें या कनेक्टेड हो फॉर द सेक ऑफ शेयरिंग डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। कौन सा क्लियर है?
कुछ ऐसी डिवाइसेस जो आपस में कनेक्ट होके डेटा शेयर करें उसको हम क्या कहते हैं, नेटवर्क कहते हैं। कौन सा क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है जी, अब बात आती है कि HTTP को आप क्यों पढ़ते हैं वेब डेवलपमेंट या वेब डिजाइनिंग के अंदर। जब आप HTTP की बात करते हैं तो HTTP पढ़ते क्यों हैं? व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड HTTP? एक तो ये पता चल गया कि HTTP का काम क्या है, टू सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन। और उसके बाद अगर आप बात करो तो HTTP एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। कौन सा प्रोटोकॉल है बेटा? स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। यानी इस प्रोटोकॉल का बिहेव कुछ इस तरह से होता है, आप अगर कोई भी वेब पेज जो आप गूगल करने जा रहे हो या सर्च करने जा रहे हो, ठीक है, सपोज मैं इसको लिख देता हूं व्हाट इज HTML, तो आप देखिए यहां पे क्या आ रहा है, यानी आपका ये जो व्हाट इज HTML के अबाउट डेटा डिफरेंट किसी स्पेसिफिक समझ लें वेब सर्वर से कोई वेब पेज मिला है मुझे नीचे जो शो हो रहा है ना, ये मेरी रिक्वेस्ट लेके कौन गया? HTTPS। और जो रेस्पॉन्स में एज अ रिजल्ट आया वो भी कौन लाया? HTTPS। लेकिन आपको पता है ये क्या करता है, आपने जो अभी इसको रिक्वेस्ट भेजी तो इसने रिक्वेस्ट कैसे ली? इसने हमारे कंप्यूटर की एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ली, लाइक IP एड्रेस वगैरह, फिर ये किसी स्पेसिफिक वेब सर्वर पे जाके वो व्हाट इज HTML वाला वेब पेज लाया और हमें शो कर दिया इसने। ऐसे ही है ना कि कहाँ से रिक्वेस्ट आई है। जैसे आप किसी भी जगह अपना कोई लेटर भेजते हैं तो क्या लिखते हैं? टू और फ्रॉम की एड्रेस होती है कि कौन भेज रहा है और कहाँ भेज रहा है, ऐसे ही है ना। लेकिन आपकी कोई ना कोई इंफॉर्मेशन उस इदारा या उस कोरियर के पास होती है। अगर आपकी भले कोरियर आपके पास, उनके पास आपने भेजनी है, कब भेजी कब पहुंची उनके पास इंफॉर्मेशन होती है ना, और आपको वो रिस्पॉन्स करने के बाद भूल भी नहीं जाते, उनके पास इंफॉर्मेशन आपकी होती है। सपोज आपने कोरियर भेजा, पहुंच गया, उसके बाद भी अगर 5 दिन छोड़ के आप जाके पूछोगे कोरियर सर्विस वालों से तो आपको बोलेंगे आपने फिलहाल दिन पे कोरियर भेजा था, ऐसे ही है ना। लेकिन HTTP ऐसा नहीं है, ये ऐसा कोरियर वाला है जो कहता है आप मुझे डेटा दो मैं पहुंचाऊंगा, ठीक है जी। अब पहुंचाने के बाद फिर आप जाने, आपका काम जाने, मैं नहीं जानता। कॉन्सेप्ट क्लियर? यानी HTTP प्रोटोकॉल लाइक गजनी है, सही है, आपसे डेटा लेता है, आपको रेस्पॉन्स करता है, फिर भूल जाता है, क्योंकि इस प्रोटोकॉल को वर्ल्ड वाइड पे करोड़ों लाखों लोग यूज कर रहे होते हैं एट अ टाइम। तो इस किस किस की इंफॉर्मेशन रखेगा अपने पास, समझ में आ रहा है? तो ये क्या करता है, आपकी कोई भी रिक्वेस्ट लेता है, आपको रेस्पॉन्स करता है, फिर ये सारी चीजें क्या कर लेता है, अपने आप से खत्म कर लेता है। ठीक जी, अभी मैंने कुछ टाइम पहले से पूछा था व्हाट इज HTML, तो इसकी जो इंफॉर्मेशन मेरी लेके गया, मुझे रेस्पॉन्स दिया। अब अगर फिर से मैं भले उससे सेम चीज भी पूछू ना व्हाट इज HTML, मैं उसके लिए नया बंदा हूं या मेरी डिवाइस उसके लिए अब से नई डिवाइस है, क्योंकि उसके पास इस डिवाइस का डेटा नहीं है। कौन सा क्लियर हो गया? तो ये हमारा HTTP प्रोटोकॉल है। अब बात आ जाती है कि कभी कभार आप वेब पेजेस पे देख रहे होते हैं कहीं कहीं HTTPS होता है, कहीं कहीं HTTP होता है, ऐसे ही है। चलें मैं एक वेबसाइट लॉगिन कर देता हूं, फिर आपको दिखा देता हूं कि वहां पे मुझे लॉगिन करने के बाद, या अभी यही आप देख लो यहां पे क्या दिख रहा है, HTTPS दिख रहा है ना, लेकिन मैं एक वेबसाइट दिखाता हूं वहां पे आपको दिखेगा HTTPS नहीं आएगा। अब एस का मकसद क्या है? HTTPS इसका मकसद है बेटा सिक्योर। HTTP प्रोटोकॉल वो वाला जो सिक्योर, लाइक कोरियर जब भेजते हो तो एक स्पेशल कोरियर होता है, एक नॉर्मल होता है, ऐसे ही है ना। कोई ऐसी चीज अगर आपको लग रहा है वो टूट फूट ना जाए तो आप स्पेशल कोरियर करते हैं उसका, या अगर आपको पैसे या क्या होते हैं इस तरह की चीजें भेजनी होती है तो सिक्योरिटी के साथ भेजते हैं, सही है। तो जो आपकी वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर HTTP भी होता है, HTTPS होता है, लेकिन HTTPS के लिए आपको कुछ पे करना पड़ता है। जाहिर है स्पेशल सर्विस के लिए आपको पैसे ज्यादा देने पड़ते हैं ना कोरियर वाले को, तो यहां पे भी आपकी कम्युनिकेशन बरकरार रहेगी लेकिन यहां पैसे देने पड़ेंगे, वहां पैसे थोड़े कम है, ऐसे ही है ना। तो अगर आप होस्टिंग करवाते हैं
और आपकी होस्टिंग विदाउट SSL सर्टिफिकेशन है। किसके विदाउट है? SSL सर्टिफिकेशन। चले आपको ये लॉग दिख रहा है, इस पे क्या लिखा हुआ है? कनेक्शन इज सिक्योर। और यहां पे पढ़ो, योर इंफॉर्मेशन फॉर एग्जांपल पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड नंबर्स इज केप्ट प्राइवेट व्हेन इट इज सेंड टू दिस साइट। कि अगर आप इस तरह की वेबसाइट को पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड वगैरह भी देते हैं तो टेंशन ना लें, ये वेबसाइट सिक्योरिटी या फुल सिक्योर है, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है या आपको घबराना नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है जी। क्योंकि इसने कहा इसका सर्टिफिकेट खरीदा हुआ है। किसका सर्टिफिकेट? सिक्योरिटी का सर्टिफिकेट। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? और ये सिक्योरिटी खरीदी जाती है, इसको हम SSL सर्टिफिकेशन कहते हैं। कौन सा क्लियर है? सिक्योरिटी सॉकेट लेयर के नाम से आपकी एक SSL की चीज होती है, मैं मेंशन कर देता हूं, SSL जिसको कहते हैं सिक्योरिटी सॉकेट लेयर। कौन सा क्लियर है बेटा? जब आप होस्टिंग ले रहे होते हैं ना, तब आपको ये कहते हैं SSL सर्टिफिकेशन भी खरीद लो, क्योंकि वेबसाइट को बनाने के बाद, अपलोड करने के बाद बेटा उसकी सिक्योरिटी भी खरीदनी पड़ती। जैसे आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन आपने खोली तो उसकी एक क्या होती है, आप गार्ड भी तो रखते हैं ना सिक्योरिटी पर्पस के लिए। तो ऐसे ही समझ लो, आपकी वेबसाइट बनाने के बाद, अपलोड करने के बाद उसकी सर्टिफिकेशन भी खरीदनी पड़ती है सिक्योरिटी पर्पस के लिए। अब ये कहाँ से खरीद सकते हो? बहुत सारे होस्टिंग के डोमेन है आपकी, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप खरीद सकते हो, वरना इसके लिए आपके पास आती है एक godaddy.com जहाँ से आप जो है क्या कर सकते, खरीद सकते हैं, होस्टिंग भी खरीद सकते हैं, यहाँ से आपको SSL सर्टिफिकेशंस भी मिल जाते हैं। चाहिए जी। तो यहाँ से आके अगर आप वेबसाइट बनाने के बाद, होस्टिंग करवाने के बाद या होस्टिंग के टाइम पे SSL भी खरीद लो, तो आराम से आपको वेबसाइट की सिक्योरिटी भी मेंटेन्ड मिल जाती है। ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर आप आते हो तो SSL की सर्टिफिकेशन सारी आपको यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है जी। अच्छा, यहां से होस्टिंग भी खरीदी जाती है। ये देखिए, ये आपकी 6279 पर ईयर के हिसाब से। कॉन्सेप्ट क्लियर? सिक्योर वन डोमेन, यानी एक वेबसाइट आपकी सिक्योर आप बना सकते हो, और उसके लिए आपको कितने देने पड़ेंगे पैसे? ठीक है जी। और अगर आप ईयरली पे करते हो रुपीस के अंदर, पाकिस्तानी रुपीस, तो आपके पे टोटल इस तरह से हो जाते हैं। ये देखें SSL सर्टिफिकेट्स। फिर आपको यहाँ पे आ रहा है कि अगर आपको मल्टीपल वेबसाइट्स क्या करनी है, सिक्योर करनी है, तो आपको 13,000 या 14,000 देने पड़ेंगे। कौन सा क्लियर है? इसी तरह से यहाँ पे 36,000 से भी अबव है अगर आप सारे डोमेन, फिर सब डोमेन होते हैं ना, जैसे यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट होती है, फिर उन्हीं के एक सब डोमेन भी होते हैं, है ना, मेन वेबसाइट, फिर उसकी एडमिशन का अलग पोर्टल होता है, अटेंडेंस का अलग पोर्टल होता है ना, तो उसको सब डोमेन कहा जाता है। कौन सा क्लियर हो गया? इसी तरह से मैनेज SSL सर्विसेज के लिए आपको इस तरह की सर्विसेज देनी पड़ती हैं। और इसके लिए जो आपको चीज़ें मिलती है ना, जब आप सर्टिफिकेशन खरीदते हो, तो उसके अंदर आपको कुछ जो है वो चीज़ें इस तरह से मेंशन भी है कि क्या क्या सर्विसेज आपको मिलेंगे। कौन सा क्लियर है बेटा? तो ये सर्टिफिकेशन खरीदते हैं तो ऑटोमेटिक आपकी वेबसाइट के साथ एस लग जाता है, HTTPS। कौन सा क्लियर है बेटा? सही है। फिर बात करते हैं HTTP की। तो बेटा HTTP भी वही है, समझ लो डेटा आपका कोरियर की तरह ही सेंड हो रहा होता है, रिसीव हो रहा होता है, लेकिन वो डेटा सिक्योर नहीं होता। कौन सा क्लियर है? और ये सिक्योरिटी लेना लाजमी है। अगर आप सिक्योरिटी नहीं लेते ना, तो आपकी वेबसाइट जो होती है ट्रेंडिंग में आना, सर्च इंजन के हिसाब से कोई सर्च करे तो टॉप पे आ जाए, तो गूगल ऑटोमेटिक फिर वो आपकी जो है ना, वो क्या होती है चीजें, SEO की चीजें, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की, वो आपकी नहीं देता। आपको फिर करवानी पड़ती है SEO भी, कि कोई बंदा अगर कोई ढूंढे व्हाट इज HTML, आपकी वेबसाइट ऐसी 15 लोगों की और की भी होगी ना, आप चाहते हैं आपकी वेबसाइट पे विजिटर बढ़े, सही है। तो अगर आप SSL खरीद लेते हो तो ऑटोमेटिक SEO भी लग जाती है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ये भी फायदा मिलता है, वरना गूगल उन तरह की वेबसाइट्स की SEO भी सपोर्ट नहीं करता या कम करता है अगर आप लोगों ने SSL नहीं खरीदी हुई, क्योंकि गूगल भी नहीं चाहता
कि या वो सर्च इंजन्स भी नहीं चाहती कि ऐसी वेबसाइट्स को यूज़र अपना डेटा ना दे जहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है या जहाँ पे हैकर आराम से उनको हैक करके बाकी यूजर्स का डेटा लेके जाएगा। ओनर्स का तो जाएगा ही, या उस वेबसाइट को यूज़ करने वाले जितने भी यूज़र हैं उनका भी डेटा चला जाएगा ना। और बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स होती हैं लाइक बैंकिंग और ये सारी चीज़ें हैं, तो अगर वो क्रेडिट कार्ड और इस तरह की इन्फॉर्मेशन दे देते हैं और किसी का वो हैक हो जाता है तो जाहिर है उनका अकाउंट, उसके क्रेडिट कार्ड के नंबर, ये सब कुछ आपका पैसे ही ऑनलाइन आपके हैक हो सकते हैं। कौन से क्लियर हो गया बेटा? अच्छा जी, अब मैं आपको कोई नॉट सिक्योर जो वेबसाइट है मैं लॉग इन करके दिखा देता हूँ। अच्छा जी, मैंने एक वेबसाइट लॉग इन की हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस वेबसाइट को चलाने से आपको यहाँ पे एक अलर्ट दिख रहा है कि ये वेबसाइट सिक्योर नहीं है, दिख रहा है ना, URL के अंदर ही बता रहा है नॉट सिक्योर। अब इस पे मैं क्लिक करता हूं, क्या लिखा हुआ है, योर कनेक्शन टू दिस साइट इज इन सिक्योर, डोंट एंटर एनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ऑन द ऑन दिस साइट, फॉर एग्जांपल पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड्स, ETC, इट विल बी या इट कुड बी, क्या हो सकती है भाई, स्टॉल हो सकती है अटैकर्स के थ्रू, अटैकर्स यानी हैकर्स। कौन सा क्लियर हो गया कि अगर आपकी कोई ऐसी वेबसाइट जिससे पहले लिखा हुआ नॉट सिक्योर, इट मींस आपकी वेबसाइट सिक्योर नहीं है, आपका जो क्या है ऐसा डेटा जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, यू डोंट हैव टू प्रोवाइड सच काइंड ऑफ डेटा टू दैट साइट जिसके साथ आपका नॉट सिक्योर लगा होता है। अच्छा, अब एक चीज नोट कर लें, इसकी URL कॉपी करते हैं, नोट पैड पे चलते हैं, यहाँ पे आके पेस्ट करते हैं। ये कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल कर रहा है, क्या इस वेबसाइट को यूज नहीं कर पा रहे, कर पा रहे हैं हम, कॉन्सेप्ट क्लियर है? ऐसा समझ लो HTTP दोनों सर्विसेज देता है, स्पेशल और नॉर्मल, जो आपको पसंद। ये वेब पेजेस के यहां समझ लो आपको वेब पेजेस सेंड भी करवा रहा होगा, रिसीव भी करवा रहा होगा, या रिक्वेस्ट आपकी ले रहा होगा और आपको रिस्पॉन्स भी कर रहा होगा, लेकिन इसमें आपको कच्चा आपका डेटा लॉस हो सकता है, वहां पर आपका कोई ऐसा जो है सीन नहीं है कि आपका डेटा लॉस हो। कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा? तो अब समझ में आ गया HTTP क्या है, और सबसे बड़ी बात ये कि HTTP स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। इसका मकसद सिंपल है कि आप जो भी उसको बोलते हैं या जो भी कहते हैं वो आपका डेटा मेंटेन नहीं रखता, और इसी वजह से हम सेकंड लेक्चर के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ने जा रहे हैं जिनको लोकल स्टोरेज, सेशंस, कुकीज कहा जाता है। कौन सा क्लियर हो गया बेटा, जो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको पढ़ना लाजमी, सिर्फ इसीलिए क्योंकि HTTP गजनी है। कॉन्सेप्ट क्लियर? चलें जी, तो बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अबाउट कि व्हाई HTTP इज इम्पॉर्टेंट, या उसके अलावा अब हम पढ़ेंगे HTTP को हम अगर यूज कर पा रहे हैं तो उसके साथ उसकी स्टेट मैनेज कैसे करेंगे, है ना, उसको गजनी के तरह यूज ना करें, उसको कुछ और बना के यूज कर लें, ठीक है जी।